नमस्कार दोस्तों, शर्मा जी की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। नवरात्रि का आगमन होने वाला है। हर घर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और हर घर में देवी का आगमन होता है, और आज हमने इसी के लिए दीपक लेके आए हैं हम, जो कि आज संपूर्ण विधि बताऊंगी मैं आपको। अगर 9 दिन दीपक रखना चाहते हैं तो यहाँ सभी महिलाओं को बहुत टेंशन होती है कि अगर हमारा दीपक बड़ा हो गया तो, और इसी वजह से हम दीपक रखने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं और सोचते हैं कि अगर बड़ा हो जाएगा तो मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, इसके लिए भले हम दीपक ना जलाए। तो चलिए आज मैं संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए आप। देखिए, ये मोली वाला धागा है, जो गिंडी आती है धागे की, मोली की, वो ले ली है हमने। और पूरा 1 मीटर धागा ले लेंगे हम गिनकर। 1 मीटर से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और हम 9 तार की बत्ती बनाने वाले हैं, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इसके तार मोटे होंगे तो हमारी बत्ती ज्यादा मोटी नहीं बननी चाहिए। तो हम पहले थोड़ा गिनकर इसकी पूरी, ये जो पूरा धागा है, इसमें से 1 या 2 तार कम कर लेंगे। और अब इसे 1 मीटर से ऐसा गिनकर हम 4 मीटर धागा ले लेंगे। मतलब जब हम डबल करेंगे तो 8 हो जाएंगे ये पल्ले, आधा आधा मीटर के 8 पल्ले हो जाएंगे। तो 1 आधा मीटर का पल्ला और ले लेंगे हम। ये पूरे 4 पल्ले ले लिए हमने 1 1 मीटर के। इस तरह से इन्हें हम पूरा इसी तरह से फैला कर रख देंगे। और ये आधा मीटर का, ये देखिए आप, इतनी बड़ी बत्ती बन जाएगी हमारी, और मेलने के बाद छोटी और बन जाएगी थोड़ी। और अब हमने ये आधा टुकड़ा इसके अंदर लगा लिया है, बीच सेंटर से, इधर से सेंटर तक। अब ये आधा पल्ला, पूरा आधा धागा आ गया है, तो हमारी बत्ती इससे थोड़ी छोटी बन जाने वाली है। ध्यान रहे, दीपक के अंदर बत्ती बड़ी ही बनाना चाहिए। अब हम इसके अंदर से 1 या 2 तार पूरे निकाल लेंगे, ताकि बत्ती हमारी ज़्यादा मोटी ना हो इस तरह से। क्योंकि अगर बत्ती हमारी मोटी होगी तो जो ये दीपक है जिसमें हम बाती लगाएंगे, तो हम उसके अंदर बाती फंस जाएगी, तो बार बार ऊपर नहीं निकालने में ज़्यादा परेशानी होगी। बार बार हम दीपक को थोड़ा सा ऊपर से, जब बत्ती जल जाती है तो वहाँ हमें ऊपर की ओर खिसकाना जरूरी होता है। और अब देखिए आप, दोनों हाथों में पकड़िए इन धागे को, इसको, और एक तरफ से इस तरह से घुमाते हुए इसके अंदर बल डालेंगे हम, आटी लगाएंगे हम इस तरह से। उस साइड का सिरा हमने पकड़ कर रखा है और इस साइड से हम धागे को घुमा रहे हैं। हमें इसे मेल कर रस्सी जैसा बना लेना है, जैसे नारियल की रस्सी होती है, उसी तरह से हम इसके अंदर बल डालने वाले हैं और इस तरह से घुमा घुमा कर बत्ती को तैयार करने वाले हैं। बत्ती तैयार करने के लिए भी बहुत अच्छी होनी चाहिए बत्ती तैयार करते समय। अगर हमारी बत्ती अच्छी नहीं होगी तो हमारा दीपक अच्छा नहीं जलने वाला है। और देखिए आप, इस साइड से मैंने आधा धागा भी डाल दिया है, ताकि ये हमारी 4 और 4 8 और 1 9 तार की बत्ती बन जाए। 9 तार की बत्ती बनाई है हमने। अब दोनों पल्लों को पकड़ेंगे और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का इसे इस साइड से छोड़ देंगे। हल्का हल्का ही छोड़ना चाहिए, एक साथ हमें इस बत्ती को छोड़ना नहीं चाहिए। एक साथ अगर हम छोड़ देंगे तो अलग से इसमें के अंदर अच्छी नहीं बनेगी हमारी बत्ती, ये अच्छे से मोड़ नहीं हो पाएंगे। इसके अंदर जो रस्सी जैसे बल है वह अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसके लिए दोनों साइड से पकड़कर, अब देखिए आप कितने बढ़िया बल बन गए हैं इसके अंदर, बिल्कुल रस्सी जैसे बनकर तैयार हो गई हमारी बत्ती है। और बत्ती बड़ी ही बनाना चाहिए हमें। और अब हम इसके अंदर बत्ती डालेंगे। अब ध्यान रहे, जो मुंह खुले वाले है वही हमें इसके अंदर डालना है, क्योंकि नीचे से हमारा मुंह, बत्ती का मुंह अखंड है, तो अगर हमारी बत्ती बाय चांस छोटी भी हो जाती है तो उसके अंदर से, अखंड के अंदर से थोड़ा सा हमें बत्ती को सपोर्ट और देने के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा दूध लगाएंगे हम इसको, बत्ती को, और इसके अंदर पिरो लेंगे इस तरह से। और अगर इस तरह से ना पिरो जाए, क्योंकि ऊपर के 2-3 पल्ले खुले हैं, तो थोड़ा हमें इसे पुराने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पर बत्ती ज़्यादा सख्त बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। बत्ती ना ज़्यादा, बिल्कुल बारीक भी ना हो और मोटी भी ना हो। बत्ती आसानी से हम ऊपर चिमटी की सहायता से ऊपर कर सके, इस तरह की बत्ती होनी चाहिए, ना ज़्यादा फिट। और अभी तो ऑयल डालकर और भी फूल जाने वाली है हमारी बत्ती है, तो इससे पतली भी बत्ती होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और पतली ही होनी चाहिए थोड़ी बत्ती हमारी।
अभी तो मैं आपको ट्रायल के लिए दीपक बता रही हूँ, और इससे ऊपर से हम थोड़ा सा इसे सही कर लेंगे और अब इसको हम लगा लेंगे इस दीपक के अंदर, अच्छे से पैक करेंगे हम। रॉड हमारा बिल्कुल ढीला नहीं रहना चाहिए, आटिया हमने बरोबर अच्छे से फिट डालनी चाहिए, क्योंकि दीपक बार बार फिर लगेगा नहीं, हमें 9 दिन तक दीपक चलाना है। तो यहाँ सभी चीज़ें हमें सावधानी से करनी चाहिए। और अब इस तरह से हम बत्ती को लपेट देंगे इसके आजू बाजू में। और अब हमने एक चांदी का छल्ला लिया है, जो उंगली में, हाथों की उंगली में पहनते हैं, वह चांदी का छल्ला हम इसके ऊपर डाल देंगे, ताकि यह बत्ती के ऊपर रह जाए, बत्ती को सपोर्ट मिलने वाला है इस रिंग से। ये जो छल्ला है चांदी का, इससे बत्ती को सपोर्ट मिलने वाला है, ताकि बत्ती अगर हमारे हल्की पतली हो, बारीक हो, तो नीचे ना आए, नीचे ना खिसके, वो उसके ऊपर यह वेट पड़ गया है। और अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसी तरह की किनार वाली बर्तन से हमें ऑयल डालना चाहिए दीपक के अंदर। इस तरह से ऑयल डालने से बहुत अच्छे से ऑयल डलता है और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है, नीचे का भी दीपक हमारा ख़राब नहीं होना चाहिए। और हमें दीपक को बिल्कुल फुल भरना चाहिए, कभी भी हमारा दीपक फुल भरा हुआ ही होना चाहिए। दीपक हमारा फुल भरा हुआ होगा तो बिल्कुल बढ़िया जलने लगेगा। और अब हम इस चिमटी की सहायता से बत्ती को ऊपर या नीचे कर सकेंगे। इसके लिए हमें बत्ती बिल्कुल थोड़ी, बिल्कुल भी फिट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। भले ही आपसे एक बार से बत्ती ना बने, तो अभी आप तुरंत 2 बार बना लीजिए बत्ती, पर बिल्कुल भी फिट नहीं होनी चाहिए बत्ती। आसानी से चिमटी से अगर हम नीचे से इसको ऊपर प्रेशर देंगे, तो बराबर ऊपर आ जानी चाहिए बत्ती। और अब हम माता रानी का नाम लेकर दीपक को चास लेंगे, दीपक को जोलेंगे हम माता रानी का नाम लेकर। और अब इसके ऊपर कांच भी रख देने वाले हैं हम। इस तरह से जब अगर आप दीपक जलाएंगे, तो बिल्कुल भी आपका दीपक 9 दिन भी बिल्कुल नहीं बुझेगा, नहीं बड़ा नहीं होगा। और हमें बीच बीच में हर 2 दिन के बाद कांच को भी अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। पहले अच्छे से दीपक को जलने दीजिए, दीपक बिल्कुल तेल से, ऑयल से फुल भरा हुआ होना चाहिए। और अब हम बत्ती को भी थोड़ा सही कर लेंगे, और अब हम इसके ऊपर ग्लास रख देंगे। मैं आपको दिखाऊंगी ग्लास रखने के बाद हमारी जोत कैसी रहनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज हो, ना बहुत ही ज़्यादा कम हो। और जब हम कांच लगाकर, ढक्कन लगाकर रख देते हैं दीपक, तो हमें 2-3 मिनट वहीं पर बैठकर देखना चाहिए कि हमारी जोत कैसी जल रही है। बिल्कुल तुरंत तो बड़ी नहीं हो रही है, या फिर ज़्यादा ऊपर से काला धुआं तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अक्सर दीपक जलने के लिए हवा का भी बहुत ज़्यादा मैटर होता है। दीपक को पर्याप्त हवा लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। दीपक को हवा ना ही ज़्यादा लगे और ना ही कम लगे। कम भी लगी तो दीपक हमारा बिल्कुल बारीक जलेगा या फिर बड़ा हो जाएगा। अब हम ग्लास रख देंगे और इसके ऊपर यह ढक्कन रख देंगे। जोत अभी काफ़ी तेज है हमारी, पर हम जब इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे, तब अपने आप हमारी जोत थोड़ी छोटी हो जाने वाली है। इस छोटी छोटी टिप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर ढक्कन भी रख दिया। देखिए आप, ऊपर से बिल्कुल काला धुआं निकल रहा है, पर अभी यह तुरंत 1 मिनट बाद बंद हो जाने वाला है। तो हमें दीपक को सही करते समय वहाँ 2-3 मिनट तक बैठना चाहिए और उसे अच्छे से गौर से देख लेना चाहिए कि हमारी बत्ती तो सही है, दीपक सही तरीके से जल रहा है। और अब देखिए आप, धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि हवा का प्रेशर कम हो गया है। जैसे जैसे हवा का प्रेशर बढ़ेगा, तो काला धुआं निकलना ज़्यादा शुरू होगा। हवा का प्रेशर कम होगा तो बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए आप कितने अच्छी तरीके से बिल्कुल बढ़िया दीपक जल रहा है हमारा। अब देखिए आप, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं हमारे दीपक को, और अब ऊपर से फिर से काला धुआं थोड़ा निकलने लगा है। देखिए आप, 6 घंटे हो गए हमारे दीपक जलने को। और हम जब, अगर हमारा किचन है, किचन में हम लगाते हैं दीपक, माता रानी को किचन में बिठाते हैं, तो हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर्याप्त हवा हो। अक्सर रात को हम गेट वेट लगा लेते हैं, तब वहाँ हवा बिल्कुल भी नहीं होती है, और उसी समय हमारा दीपक बड़ा होने का डर होता है। इसके लिए अगर आपके किचन में फ़ैन हो, तो बिल्कुल स्लो में आप फ़ैन जला लीजिए, पर आप वहाँ बैठकर देखिए कि हमारे फ़ैन से दीपक को क्या हो रहा है, हवा लगने से काला निकल रहा है धुआं, या फिर बिल्कुल बढ़िया दीपक जल रहा है। बिल्कुल 6 घंटे हो चुके हैं और अब इतना ऑयल ख़त्म हो चुका है हमारे दीपक का।
हमें 6 या फिर 7 घंटे बाद में दीपक को संभाल कर फुल भर देना चाहिए। देखिए आप, दीपक इतना खाली हो चुका है, बिल्कुल 6-7 घंटे जलने के बाद भी बिल्कुल बढ़िया जल रहा है। अब हम थोड़ा सा बत्ती को सेट कर लेंगे और इसके अंदर ऑयल डाल देंगे, और अगर ऊपर थोड़ी सी कजली आ गई है तो हम उसे इस चिमटी की सहायता से हल्का सा निकाल देंगे। ज़्यादा प्रेशर देकर हमें निकालना नहीं है, और ध्यान रहे ऊपर से भी ज़्यादा प्रेशर देकर हम बत्ती को ना खींचे, वरना नीचे की ऑयल की सप्लाई बंद हो जाएगी बत्ती के अंदर और ऊपर दीपक हमारा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें बत्ती को नीचे से ही चिमटी की सहायता से ऊपर भेजना चाहिए, तभी हमारी बत्ती बिल्कुल बढ़िया जलने वाली है। देखिए अब दीपक को इसी तरह से फुल भर के ही रखना चाहिए हमें, और हर 7 घंटे के बाद में हम दीपक को फुल भर कर रख सकते हैं। आप एक बार रात को सोते समय 11 बज जाते हैं तब आप दीपक को इसी तरह से सही करके बिल्कुल फुल भर दीजिए। 2-3 मिनट वहाँ बैठ कर वेट कीजिए कि हमारा इसके अंदर से काला धुआं निकल रहा है क्या, या दीपक सही तरीके से जल रहा है, या फिर हवा कम है या ज़्यादा है, इसका पूरा निरीक्षण करके ही आप वहाँ से उठे। रात को जब हम 11 बजे दीपक को बिल्कुल इसी तरह से चेक कर कर छोड़ देते हैं तो बढ़िया हमारा दीपक जलते रहता है। अब देखिए आप, फिर से 6 से 7 से 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। अभी रात को मैंने 11 बजे तक दीपक को अच्छे से बत्ती वत्ती सब सेट कर दी थी, और अभी मॉर्निंग में 8 बज गए हैं। हाँ 8 बज गए, दीपक हमारा बिल्कुल बढ़िया जल रहा है। फिर से ऑयल कम हो गया है हमारे दीपक का, बत्ती भी थोड़ी छोटी हो गई है, तो अब हम नीचे से चिमटे से बत्ती को ऊपर कर लेंगे। पहले हमें बत्ती को ऊपर करना चाहिए और फिर ही उसके ऊपर जो कजली आ गई है उसे निकालना चाहिए, वरना अगर बत्ती की जोत कम होगी और ऊपर से हम बत्ती को छेड़छाड़ करेंगे तो हमारा दीपक बड़ा होने का डर होगा। आप भी इस तरह से एक बार जरूर दीपक जलाएं। हर महिला को बहुत टेंशन होती है कि दीपक हमारा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए महिला विचार करती है कि हम दीपक ना ही लगाए, पर आप एक बार पहले ट्राई कर देखिए, 2-3 दिन के लिए ट्रायल के लिए दीपक लगा कर देखिए, बत्ती बना कर देखिए, और फिर मैं आपको 100% बताती हूँ कि आपका दीपक बिल्कुल कभी भी बड़ा नहीं होगा। आप इस तरह से बत्ती बनाएं और इसी तरह से दीप को प्रज्वलित करें और माता रानी का नाम लेकर 9 तार की बत्ती बनाएं और मोली के धागे की बत्ती बनाएं। मोली के धागे की बत्ती सबसे शुभ मानी गई है, और इसी तरह से आप दीपक को लगाएं माता रानी का नाम लेकर। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल तुरंत मिलती रहे। और इस तरह से हमें चिमटी की सहायता से ही बत्ती को सही करना चाहिए, और हमें चिमटी भी वहीं रख देनी चाहिए जहां हमारा दीपक है। देखिए आप, कितना बढ़िया दीपक जल रहा है हमारा, और थोड़ा खाली हो चुका है हमारा दीपक, फिर से 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, और अब हम इसे ऑयल से भर देंगे और फिर इसे ढक्कन रखकर रख देने वाले हैं। और 2 दिन बाद में हमें यहाँ जो ग्लास इस तरह से वाइट हो जाता है उसे भी हमें पाउडर से और इससे साफ कर लेना चाहिए, कोई कॉटन वाले कपड़े से, या फिर इससे हमें साफ कर धो लेना चाहिए, कांच को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, ताकि अंदर से बिल्कुल कांच साफ होगा तभी अंदर से दीपक हमको अच्छे से नजर आएगा। और पर्याप्त हवा का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, वहाँ पर दीपक के जहाँ हमारी दीपक की जगह है वहाँ पर्याप्त हवा होनी ही चाहिए, वरना हम गेट बंद कर लेंगे और बिल्कुल हवा नहीं होगी तो हमारा दीपक बिल्कुल भी जलता नहीं रहेगा। एक और बात बताना चाहूँगी मैं, आप ये इस तरह से ढक्कन को जब उठाते हैं तो यहाँ एक कजली आ गई है, इसे भी ध्यान से देखिए आप, वरना कभी कभी ज़्यादा कजली आकर यहाँ ऊपर का जो ये होल है यहाँ बंद हो जाता है, उससे हमारा दीपक बिल्कुल भी अच्छा नहीं जलता है। तो हमें इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर कजली को भी हमें इस ढक्कन को हमेशा उठाकर जब बत्ती सेट करते हैं तभी हमें चेक कर लेना चाहिए इस ढक्कन को भी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके नवरात्रि में आप भी यह 9 दिन के लिए दीपक जरूर जलाएं, और सभी टिप्स को ध्यान से जरूर फॉलो